डांटने में सीखने के लिए मजा आता है, डांटने का लेक्चर अटेंड करने में तो एक तो सही सही लगता है क्योंकि हाँ ऐसा होता है क्या, ऐसे होता है क्या, लेकिन जब डांटने का प्रैक्टिकल करने जाओ और वहां पे अगर कुछ याद याद नहीं आएगा ना तो पूरे ब्लैंक हो जाते हो, क्या करना था यार, कहाँ पे कोड लिखना था, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोड लिखने के बाद में क्या होगा, तो एक टाइम आ जाता है जहाँ पे आपका मेमोरी ब्लॉक हो जाता है बिकॉज यू डिड नॉट रिवाइज, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज रिमेंबर, जितने आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझोगे, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, उतना कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। खुद कोड करने जाओ तो फिर आपको पता, अरे ये एरर आ रही, अरे ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, अभी इसका आंसर कैसे ढूंढू। सो कैन आई थिंक अबाउट व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज, यहां से .NET शुरू होता है। अगर कल सुबह इंटरव्यू है तो 2-3 महीने का MCQ पढ़ के होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर जो हमने ट्रांसफ्लोर ऑनलाइन ये पूरा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना कर रखा है, वो सारे प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो, डिबग कर सकते हो, सारी चीजें याद आ जाएगी, रवि तांबड़ी के जोक से याद आ जाएगी, आपने लैब में किए मिस्टेक से याद आ जाएगी, शुभंगी मैडम ने, आशुतोष सर ने आपकी वो मिस्टेक सॉल्व करने के लिए क्या कमेंट किया वो याद आ जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के अंदर सारा रिवाइज होने वाला है और जाके इंटरव्यू के लिए सामने रखना है।